अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि गार्डनिंग से जो भी रिलेटिव वीडियो रहेगा आपको सबसे पहले मिलेगा। तो देखिए, आज हम बात करेंगे जो दुनिया का सबसे ज़्यादा हेवी फ्रूटिंग करने वाला प्लांट में से एक प्लांट माना जाता है, वो है आम, आपका आम्रपाली। आम्रपाली आम अभी के डेट में देखा भी जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा हेवी फ्रूटिंग करने वाला प्लांट में से एक प्लांट माना जाता है। और इसका देखेंगे तो 1971 में इसका जो रिलीज किया गया था और इसका दशहरी और नीलम के साथ इसका क्रॉस करके तैयार किया गया था। ये आम देखेंगे तो इंडिया का काफ़ी फेमस और काफ़ी अच्छा आमों में से एक आम माना जाता है। और इंडिया के देखेंगे तो अभी के डेट में हर गार्डन के पास एक न एक आपको आम्रपाली आम मिलेगा, इतना ये फेमस आम हो चुका है। और इसका सबसे ज़्यादा जो कारण होता है वो होता है इसका हेवी फ्रूटिंग। हेवी फ्रूटिंग आम्रपाली में काफ़ी ज़्यादा होता है बाकी आम के मुकाबले में। और ऐसा ही नहीं, सिर्फ हेवी फ्रूटिंग ही होता है, एक साल नहीं होता, इसमें आपका हर साल बहुत ज़्यादा ही हेवी फ्रूटिंग होता है। तो इसीलिए हम देखा जाए तो दुनिया में भी सबसे टॉप पे आता है हेवी फ्रूटिंग करने वाला में से एक आम माना जाता है। और यह आम देखा जाए इंडिया में सबसे फेमस और सबसे अच्छा आमों में से एक आम ये भी माना जाता है। और ये देखेंगे ना तो इसका सबसे अच्छा जो होता है इसका जो फलन वो काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरा होता है इसका टेस्ट, टेस्ट भी आम्रपाली आम के मुकाबले बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। और इसके सामने बहुत सा ऐसा आम है जिसको टिकना काफ़ी मुश्किल होता है टेस्ट के मामले में, काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट होता है। और टेस्ट में ही ज़्यादा करके आम्रपाली आम ज़्यादा फेमस है टेस्ट और फलन के मामले में। और आम्रपाली आम ऐसा ही नहीं है, ये देखा जाए तो काफ़ी छोटा से इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रूटिंग होना चालू हो जाता है और काफ़ी कम उम्र में ही इसमें फ्रूटिंग करना चालू भी कर देता है। और फ्रूटिंग करना चालू भी करता है और फ्रूटिंग पकड़ने की क्षमता भी रहता है वो बाकी आम के मुकाबले इसमें काफ़ी ज़्यादा ही होता है। और दूसरा नंबर पे जो आता है वो आता है दुनिया का सबसे सेकेंड नंबर पे, वो है आपका महाचनक मैंगो। और महाचनक मैंगो से भी ज़्यादा इसमें हेवी फ्रूटिंग होता है। महाचनक दूसरा नंबर पे आता है, पहला नंबर पे आपको आम्रपाली आता है क्योंकि इसमें जो रहता है बिना केयर बिना देखभाल के इसमें अच्छा फ्रूटिंग होता है। अगर इसमें आप थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह से देखभाल करें और अच्छी तरह से इसमें फर्टिलाइज करेंगे तो ये बाकी आम के मुकाबले बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग करने वाला प्लांट होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आम्रपाली आम में कम फ्रूटिंग होता है, ऐसा नहीं है, इसमें आप हर साल ज़्यादा ही फ्रूटिंग होता है बाकी आम के मुकाबले। अगर आम्रपाली के ही आम के मुकाबले अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो आपको अगले साल, मान लीजिए इस साल आपको 10 किलो आम निकला था, अगले साल आपको 12 किलो आम मिलेगा, इसके अगले आपको 14 किलो निकलेगा, मतलब इसका जो रहता है हेवी फ्रूटिंग बढ़ता ही जाता है, घटता नहीं है। बाकी जो आम होता है एक साल ज़्यादा फ्रूटिंग करता है, दूसरे साल भी फ्रूटिंग करता है मगर काफ़ी कम करता है, मगर आम्रपाली का ऐसा से नहीं। आम्रपाली का उससे भी ज़्यादा फ्रूटिंग करने वाला प्लांट होता है और हर साल इसमें काफ़ी हेवी फ्रूटिंग होता है। तीसरा बात रहता है इसका खाद, अगर इसमें अच्छी तरह से आप खाद पानी देंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्रूटिंग करता है। इसका जो खाद जो रहता है न्यूट्रिशन पकड़ने की क्षमता रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा बाकी आम के मुकाबले इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी अच्छा इसमें जो न्यूट्रिशन पकड़ने की क्षमता वो काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी बात रहता है इसमें जो ग्रोथ होता है बाकी आम के मुकाबले इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी लेता है। बाकी आम के मुकाबले देखेंगे तो ग्रोथ काफ़ी स्लो होता है मगर आम्रपाली आम में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ किया जाता है, इसीलिए देखा जाए तो काफ़ी अच्छा आम में से एक आम माना जाता है आम्रपाली मैंगो। आम्रपाली मैंगो देखेंगे तो ज़्यादा करके जो भी है वैज्ञानिक लोग है ज़्यादा इसी आम पे क्रॉस करते हैं, ताकि आम्रपाली मैंगो का जो खास बात यह है कि इसका जो हेवी फ्रूटिंग और टेस्ट के मामले में काफ़ी अच्छा होता है। इसके कारण देखेंगे तो जब वैज्ञानिक लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो आम हाइब्रिड का अच्छा अच्छा किस्म जो तैयार किया है उसमें सब में आम्रपाली आम ही माँ का भूमिका निभाया। इसका कारण यही रहता है इसका हेवी फ्रूटिंग और दूसरा रहता है इसका टेस्ट, वो दोनों काफ़ी अच्छा होता है आम्रपाली आम के लिए। इसलिए जितना देखेंगे अंबिका अरुणिका अरुणिमा जो भी है उस सब का माँ का जो किस्म आम्रपाली आम ही निभाया हुआ है, इसलिए आम्रपाली आम देखेंगे तो काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी बेस्ट होता है। अगर आप अपने आम्रपाली आम नहीं लगाए छत पे गार्डन बगीचा में तो एक ना एक ज़रूर आम्रपाली आम लगाइए, काफ़ी सस्ता प्लांट होता है, 50 रुपये से लेकर आपको 250 तक के आम मिल जाएगा, इतना सस्ता आम होता है आम्रपाली मैंगो। और सस्ता होने के कारण भी देखेंगे तो जो आम्रपाली आम होता है वो कोई भी नर्सरी में आप ठगा नहीं जाएंगे, आपको हर नर्सरी में ईजी मिल जाएगा और काफ़ी ज़्यादा खुश करने वाला आम होता है। अगर आप टेरेस गार्डनर या ज़मीन में बगीचा में लगाना चाहते हैं तो आम्रपाली आम लगाइए, फिर देखिए इसका फ्रूटिंग कैसा होता है। आप नहीं भी देखभाल भी करेंगे फिर भी इसमें फ्रूटिंग होता है आम्रपाली मैंगो में, ये इसका सबसे अच्छा और सबसे अच्छा बात यही होता है आम्रपाली मैंगो में। इसीलिए जो क्या होता है गार्डनर लोगों का हर साल आम्रपाली आम खुश करके देता है। बाकी जो आम रहता है जो इसमें आप बहुत ज़्यादा देखभाल भी करेंगे अच्छी तरह से खाद भी देंगे मगर उसमें अच्छा फ्रूटिंग नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है बहुत गार्डनर लोग आम लगाने से निराश हो जाते हैं। पर जो आम्रपाली आम हो ऐसा नहीं होता, वो गार्डनर लोग हर साल इसमें खुश कर देता है, ना देखभाल ज़्यादा मांगता है ना ज़्यादा इसमें फर्टिलाइज़र भी मांगता है, फिर भी आपको हर साल अच्छा फ्रूटिंग भी करके देता है।
यही इसका खास बात होता है आम्रपाली आम के लिए। आम्रपाली आम अभी भी देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैवी फ्रूटिंग करने वाला प्लांट में से एक प्लांट माना जाता है। टेस्ट भी इसका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कम उम्र में ही इसका फ्रूटिंग करना चालू कर देता है। अगर आप छत पे टेरेस गार्डन पे अगर आप आम लगाना चाहते हैं तो कम से कम साल भर पुराना प्लांट आप मंगा के लगा सकते हैं, वो भी आपको हर नर्सरी में मिल जाएगा, जिसमें आपका साल भर में ही आपका फ्रूटिंग होना चालू हो जाएगा। तो आम्रपाली आम काफ़ी बेस्ट और एक अच्छा वेराइटी, काफ़ी अच्छा टेस्ट भी होता है, और ये आम आप सब हर आदमी खा सकते हैं, बच्चा से लेकर बूढ़ा आदमी तक जो भी है वो आम्रपाली आम खा सकते हैं, इसमें कोई उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। तो एक ने का अपना आम्रपाली आम अपने छत पे गार्डन में जरूर लगाइए, नहीं लगाए तो एक बार विश्वास करके लगाइए, इसका फ्रूटिंग देखिए, इसका टेस्ट देखिए, इसके बाद आप बोलिए। कभी भी सुंदरता पे मत जाइए, कोई कोई चीज़ होता है जो देखने में सुंदर होता है मगर खाने में अच्छा नहीं होता है, पर कभी भी सुंदरता पे मत जाइए, एक ने का आम्रपाली आम लगाइए, आपका देखिए आपका गार्डन में या छत गार्डन में या बगीचा में जब आप लगाएंगे तो आपका पूरा का पूरा दिल खुश कर देगा जब इसका फ्रूटिंग होगा। तो आप एक बार विश्वास करके आम्रपाली आम जरूर अपने छत पे गार्डन में लगा के देखिए, फिर इसके बाद आप बोलिए। अभी भी कोई जितना भी हाइब्रिड मैंगो आया है मगर अभी की डेट में भी आम्रपाली आम का कोई टक्कर देने वाला में से नहीं है। आगे चल के देखते क्या होता है, कोई अच्छा हाइब्रिड किस्म का इंडिया में आता है कि नहीं आता है। तो अभी के डेट में आम्रपाली सबसे बेस्ट और एक अच्छा वेराइटी है, काफ़ी सस्ता प्लांट भी है, काफ़ी कम देखभाल करने का भी ज़रूरत पड़ता है, और नहीं भी देखभाल करेंगे फिर भी इसमें फ्रूटिंग होता है। अगर आप इसमें थोड़ा अच्छी तरह से देखभाल करेंगे तो आपका छत पे तो इतना ज़्यादा फ्रूटिंग करके देगा कि बाकी आम के मुकाबले आप चौंक जाएंगे, इतना ज़्यादा इसमें हेवी फ्रूटिंग होता है। तो आप एक ने कहा आम्रपाली आम अपने छत पे गार्डन में जरूर लगाइए। ऐसा ही अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, फिर